listen to the reaction. I think you can hear the approval from the support all around the stadium. जमशेद साहब, क्या हाल है? जी, मैं भी ठीक हूँ. अच्छा, मैंने आपको एक औरत के बारे में बताया था ना? जी जी, मुनीरा नाम था. वहाँ भी नहीं मिली तो अपनी सर्च पार्टी से कहें कि अपना दायरा बढ़ा दें. देखें, ये बहुत अर्जेंट है और इस बात की भिनक डिपार्टमेंट में किसी को भी नहीं पड़नी चाहिए. ठीक है, मैं वेट करूँगी. खुदा हाफिज़. नहीं मिली? नहीं, और अब समझ भी नहीं आ रही कि मजीद कहाँ ढूंढे. हेलो शम्स, क्या हाल है? कुछ और पूछ ले, बस हाल ना पूछे. सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है. वो मुनीरा का पता चला? नहीं शाम्स, मेरी अभी उस इलाके के इंस्पेक्टर से बात हुई है. उसने पूरा गांव छान लिया है लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसका मतलब है हमारे पास अगली पेशी के लिए कुछ भी नहीं है. नहीं शाम्स, अब तो कहीं से एक सिरा भी नहीं मिल रहा जिसे हम पकड़ के आगे बढ़ सकें. मेरे पास है सिरा. रियली? जल्दी बताओ. दानियाल के कत्ल का इल्जाम मैं अपने सर ले लूंगा. ये तुम क्या कह रहे हो? मैं 2 साल हवा का गया हूं जेल की. फलक उस दोषक से नहीं गुजरने दूंगा. वो टॉपर थी, क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी, आगे सीएसएस का भी प्लान था, बैडमिंटन भी बहुत अच्छा खेलती थी. मेरे जेल जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. देखो शाम, फलक के लिए तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे. औरत होने की वजह से अदालत फलक की सजा में तो नरमी कर देगी, लेकिन तुम्हें सीधा उम्र कैद या फिर सजाए मौत दे देगी. ठीक है, मैं अगली पेशी में ये बयान दूंगा कि कत्ल मैंने किया है और फलक को इसमें मैंने जबरदस्ती शामिल किया. वो बेकसूर है. मुझे समझ नहीं आ रही शम्स, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगली पेशी पे मिलेंगे. तुम्हें बहुत शौक है सूली चढ़ने का.